गुड मॉर्निंग, टुडे इज 25 सितंबर और आप सभी का स्वागत है कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का जो 25 सितंबर का एडिशन है उसे हम लोग पूरे अच्छी तरीके से एनालिसिस कर देखेंगे पूरे पेज वाइज कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए आए हैं। और स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। ये देखो पहला आर्टिकल इसमें जो कहा गया उसमें कहा गया है कि ये जो पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टरल ऑफिस जो है ये एक मतलब मीटिंग अटेंड किए और उसका पर्पस क्या था कि मतलब ये जो कमिटी एज इट शुड बी गैप्स इन इंडिया मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है एससी या एसटी के जो लोग हैं वो कम से कम लोग क्यों वहाँ पर मतलब एम्प्लॉयड हैं इसको देखने के लिए जो है ये कमिटी जो है वहाँ पर मीटिंग होल्ड की थी। इस कमिटी का क्या नाम है? इस कमिटी का नाम है कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन द अफर्मेटिव एक्शन फॉर एससी एसटी। ठीक है, इस कमिटी को इस नाम से जानते हैं और ये मतलब प्रोग्रेस से चेक कर रही थी कि एससी एसटी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट फर्म्स में। और फिर मतलब बहुत सारे मीटिंग्स में जो बातें हुई और फिर इसमें जो मतलब जो एक चीजें बताई गई और ये बताई गई कि मतलब जो प्राइवेट जो कंपनी है वो ऐसा कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर विलेजेस को, ठीक है, उस पर्टिकुलर विलेजेस को गोद ले लेगी। गोद लेने के बाद उस विलेजर्स के मतलब उस विलेज में जो लोग उन्हें स्किल वो बताएगी, उनके स्किल को डेवलप करेगी, उन्हें ट्रेनिंग देगी और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो उन्हें जो है अपनी कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट देगी। तो ये एक प्रोविजंस इसमें डाली गई। आगे के जो प्रोविजंस आएंगे उसे हम लोग फिर से देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट जो न्यूज आया है इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सेंड्स अ प्ली ऑन द बेन ऑफ द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये क्या होता है जेनिटल म्यूटिलेशन, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले बताया गया कि पिटीशन सीकिंग अ बैन ऑन द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑफ द माइनर गर्ल्स एलिजिबली प्रीवलेंट अमंग द दाऊदी बोहराज। मतलब ये जो जो हम लोग खतना जिससे सुने होंगे कि मतलब लोगों में किया जाता है तो ये मतलब जो जो कम्युनिटी इंडिया में है जो अभी भी इसमें जिसमें फीमेल मतलब उनकी जो ये म्यूटिलेशन किया जा रहा है जेनिटल म्यूटिलेशन किया जा रहा है तो उसमें ये दाऊदी बोहरा की कम्युनिटी में ये अभी भी प्रिवलेंट है। तो पहले मैं आपको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ कि ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है ये सिया इस्लाम को फॉलो करती है, ठीक है, और इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंडिया में, पाकिस्तान में, यमन में और फिर ईस्ट अफ्रीका में। और टोटल ग्लोबली इनकी मतलब पॉपुलेशन कहां तक? लगभग 1 लाख तक है। और फिर ये जो मतलब सिया इस्लाम को फॉलो करते हैं जो कि प्रोपेगेटेड किनके द्वारा किया जाता है? फातिमिद इमामते, ठीक है, तो ये जो है इनके द्वारा बताए गए टीचिंग्स को मानते हैं फातिमिद इमामते। और फिर ये मतलब जैसे कि ये 3 टाइम प्रे करते हैं, जो नमाज अदा करना होता है ये 3 टाइम प्रे करते हैं। तो ये सारी बातें थी ये दाऊदी बोहरा के बारे में। तो अभी जो इसमें देखो ये बातें इसमें ये चल रही हैं कि ये जो बिटवीन द 5 years and before she attains the puberty, मतलब कोई भी girl child होती है जो मतलब 5 साल या फिर मतलब puberty से just पहले is against the United Nation Convention on the Right of the Child, मतलब ये उसके child का United Nation का जो हमारा convention भी है कि जो right मिलने चाहिए child को उस child के right के against है and UN Universal Declaration of the Human Right of which, और फिर United Nation का जो human right का declaration है कि ये सारे rights होने चाहिए उस right को हम लोग कहीं ना कहीं curb कर रहे हैं इसमें। और ये जो है इंडिया भी जो है इसके सिग्नेटरी है, मतलब ये जितने भी प्रोविजंस हैं उस सारे प्रोविजंस को इंडिया भी मानने के लिए बाध्य है और इसके लिए वो साइन भी कर चुकी है। तो फिर ये मामले जो दाऊदी मतलब बोहराज के कम्युनिटी में हो रहे हैं तो ये सेंटर रिप्रेजेंटेटिव द अटॉर्नी जनरल ऑफ द के वेणुगोपाल, यहां पर हमारे जो अटॉर्नी जनरल है ये उनको अटेंड किए। तो ये अटॉर्नी जनरल से बातें मैं बताता हूँ कि अटॉर्नी जनरल आखिर होते कौन है। इसके इसमें जो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रोविजंस के बारे में हमारे बताए गए हैं। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं ये 2 लोगों के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं इसको, एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल और दूसरे कौन होते हैं? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल के अलावा 2 उनको हेल्प करने के लिए होते हैं। और ये पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी जज, और ये जो अटॉर्नी जनरल होंगे ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए एंड द ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर ऑफ कैन परफॉर्म बाय हिम, और वो जितने भी लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के और जितने भी ड्यूटीज लीगल कैरेक्टर के मतलब कोर्ट से रिलेटेड जितने मामले जो भी सेंटर के पास आते हैं वो सारी चीजों को वो अटॉर्नी जनरल देखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं राइट टू बी ऑडियंस, ये मतलब किसी भी कोर्ट में जाके एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं लीगल कोर्ट जो भी इंडिया का होता है, और ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन
लेकिन वहां पर वो वोट नहीं कर सकते, जैसे आप एमपी एमएलए का मतलब वहां पर राज्यसभा का मतलब जो वोटिंग होता है उसमें ये वोट नहीं ले सकते, लेकिन वो पब्लिक प्रोसीडिंग में जाकर वहां अपियर हो सकते हैं, कैन इवन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल क्योंकि वो मतलब लॉयर है तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस, कहां वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस को वो नहीं हैंडल करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बातें थी, लेकिन यहां पर देखो ये जो हम मेल, ये तो मैं जैसे बताया कि मेल सर्कमसिजन खतना का जैसा प्रावधान है इस्लाम में, और ये मतलब इसे क्या बताया रिलीजियस प्रैक्टिस और बहुत सारी कंट्री इसे मानती है, लेकिन फीमेल म्यूटिगेशन का जो मामला है तो मैं ये थोड़ी चीजें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें होती क्या है। तो ये इसमें महिलाओं का खतना करते समय उनकी मतलब जो ये बाहरी हिस्से होते हैं योनि के बाहरी हिस्से क्लाइटरिस को आंशिक या पूरी तरीके से काट दिया जाता है। इस प्रथा का पालन करने वाले समुदाय का मानना है कि इसकी महिलाओं का कामेच्छा नियंत्रित रहता है, मतलब सेक्स करने की जो इच्छा होती है इसे आप कंट्रोल कर लेते हो। अलग अलग देशों में महिलाओं का भिन्न भिन्न तरीके से खतना किया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है उन्हें महिलाओं के चार तरह के खतने को चिन्हित किया, और पहला प्रकार इसमें है क्लाइडरोटॉक्मी कहते हैं, जिसको क्लाइडरोटॉक्मी, इसमें क्या होता है महिलाओं का क्लाइटरिस को आंशिक या पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है इसमें एक्सीजन कहते हैं, इसमें क्या होता है क्लाइटरिस और फिर लॉबिया माइनोरा मतलब योनि का जो अंदरूनी त्वचा होता है उसको आंशिक या पूरी तरीके से हटा दिया जाता है काटकर। तीसरा प्रकार होता है इसमें, इसे हम लोग कहते हैं इनफिब्युलेशन, इसमें क्या होता है योनि मुख को संकरा बना दिया जाता है, मतलब उसको मतलब वहां पर या तो वहां पर कि जैसे बाहर से थ्रेडिंग कर देना या फिर उसे और भी छोटा बना देना, ये सारी चीजें की जाती है। और फोर्थ टाइप होती है जिसमें गैर चिकित्सक कारणों से महिलाओं के जननांग में छेद करना, काटना, जलाना, इस प्रकार के विकृत करने, मतलब जितने भी और डिफरेंट प्रकार हो सकते हैं जो कि जितने क्रूर व्यवहार होते हैं, ये सारी चीजें जो है उसको फोर्थ प्रकार में। तो इसको चार प्रकार में यूनाइटेड नेशन ने पहले से ही रखा है, और इसको मतलब बहुत सारे कंट्री प्रैक्टिस कर रही है, और खास करके इंडिया में अगर देखा जाए तो दाऊदी बोहरा की कम्युनिटी इसे प्रैक्टिस कर रही है, और अभी ये मामला ये चल रहा है कि ये सिंस ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ये किसी चाइल्ड को उसको मतलब उसको जैसे ही वो पैदा लेती है इंडिया में तो उसको सारे ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, तो ये सारी चीजें करके उसके ह्यूमन राइट्स को हम कहीं ना कहीं कर्व कर रहे हैं। तो अभी जो आगे इसमें मामले आएंगे उसे हम लोग और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो अभी मालदीव्स के जो मतलब यहां पर चीयर रिलीफ दिल्ली मालदीव्स न्यू अपोजिशन, वहां पर जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें नए जो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं वो कौन है, मोहम्मद सोली, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। और इसके लिए मतलब यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि मतलब यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है दिल्ली में, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जो मतलब वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, उनका जो है मतलब चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव था, और वो इंडिया का मतलब बहुत सारे बेसेस जो वहाँ पे मिलिट्री बेसेस है उसको हटवा देना, या फिर यहाँ के जो वीज़ा जिसको दिए गए थे सबको कैंसिल कर देना, और फिर मतलब चाइना के साथ नए नए एग्रीमेंट करना, ये सारे कारण मतलब इंडिया को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो अभी जो है इनकी डिफीट हो गई, और एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति जो कि इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं ये जीत कर आए हैं। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पर ऐसी कुछ हमारे लिए आर्टिकल नहीं आया। सीबीआई गिव्स मोर पेपर्स टू सीबीसी, हमने आपको सीबीआई के बारे में पूरी प्रोविजंस पहले ही बता दिए हैं। तो अभी ये देखो ये मामला ये हो रहा है कि सीबीआई के केसेस को सीबीसी को क्यों दे रही है। तो सीबीसी का आखिर काम क्या होता है, सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कैसी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और इसका मेन एजेंसी क्या होता है, प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरफ का करप्शन हो रहा है इन सारी चीजों को ये देखती है। और ये कब स्टैब्लिश गई थी, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1964 में, किसके द्वारा रेकमेंड की गई थी, सनातन कमेटी के द्वारा ये रेकमेंड की गई थी। इसके जो कंपोजिशन होते हैं सीवीसी के, ये क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, उसमें दो विजिलेंस कमीशन होते हैं, ठीक है, और वो जो चेयरपर्सन होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट किया जाता है सीवीसी के द्वारा, ये किनके द्वारा होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन उसमें रेकमेंडेशन तीन मेंबर की कमेटी होती है, और उसको रेकमेंडेशन जो करते हैं प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, मतलब तीन लोगों की कमेटी होती है, यही तीनों लोग जो है नाम को रेकमेंड करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो है सीवीसी का अपॉइंटमेंट करते हैं। इनकी जो टेन्योर होती है सीवीसी के कितने सालों की होती है, चार से चार साल की होती है, अन्यथा अगर आप 65 साल की उम्र को
अटेंड कर लिए, अगर मान लो 4 साल आपकी कंप्लीट हो गई और 65 साल नहीं हुए, तो क्या आप दोबारा सीवीसी बनाए जा सकते? नहीं, आप दोबारा, कोई एक व्यक्ति अगर एक बार बन चुका तो वो दोबारा सीवीसी नहीं बन सकता। रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन अगर रिमूवल उनको करना है तो उन केसेस को क्या करना होगा, उन केसेस को पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी के लिए भेजना होगा, और जब इंक्वायरी आएगी तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और सैलरी अलाउंसेस और फिर जितने भी कंडीशंस होते हैं ये सारे लोग, ये सारी चीजें मतलब जैसे यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम टू सेम वैसे ही सीवीसी की होती है। तो फंक्शन इनकी क्या होती है सीवीसी की? सीवीसी की ऐसी फंक्शन होती है कि पब्लिक सर्वेंट बीइंग एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल, आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सर्वेंट हो, अगर कुछ ऐसे ऑफेंस करते हो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अगेंस्ट, तो आपकी सीवीसी जो है आप पे एक्शन लेगी। यूनियन या फिर ग्रुप ए के जो ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे मतलब इनके दायरे में आते हैं, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स, और फिर डायरेक्शन टू द सीबीआई अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और फिर सीबीआई को रिव्यू भी करती है। तो यही जो अभी मामले हैं सीबीआई का, जो वहाँ पे डायरेक्टर है और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो टसल चल रहा है, तो इनको अभी हैंडल कौन कर रहा है? सीबीसी कर रहा है। तो मामला यही आपको समझना था, और साथ ही साथ इनके जो फंक्शन होते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करप्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करना हो, एलिगेशन किसी के द्वारा अगर उन पर रिपोर्ट किया गया, जैसे कि इस केसेस में सीबीआई में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, तो सीबीसी इस मामले में दखल दे रही है और रेफरिंग द मैटर अप टू द सीबीसी, और वैसे मामले जो कि सीबीसी को रेफर किए जाते हैं, इन सारे मामले को सीबीसी देखती है। तो इतनी चीजें आपको सीबीसी के बारे में जाननी थी। 22 डेट्स एज हैवी रेन, इसमें देखो अभी भारी मूसलाधार बारिश होने के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह जानने वाली बात है कि वाटर लेवल इन द रिवर रोज अक्रॉस द रीजन विद द लेवल ऑफ द पोंग डैम। ये जो पोंग डैम है, इस पोंग डैम में अचानक से वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो पोंग डैम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोंग डैम को हम लोग बेस डैम के नाम से भी जानते हैं, और ये जो पोंग डैम या बेस डैम जो भी है, इसे हम लोग किस टाइप की डैम है? ये एम्बैकमेंट डैम है। मतलब एम्बैकमेंट डैम ऐसी डैम को हम कहते हैं जिसमें कि लार्ज आर्टिफिशियल डैम होती है, मतलब ये जो डैम होता है हम लोग अपने मतलब तरीके से बनाए होते हैं। और इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां बताई गई कि अराउंड 1 लाख क्यूसेक वाज रिलीज्ड लेट नाइट फ्रॉम द रोपर बैरेज ऑफ द इनटू द सतलज। तो ये देखो ये जो बोला गया क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक मतलब मेजर करने का होता है, मेजर टू फ्लो द रेट इज इनफॉर्मल सॉर्ट एंड फोर, मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड। मतलब क्यूसेक मतलब हम इसको फुल फॉर्म अगर देखो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। और यही जो है मेजर करती है फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर को, जिससे हम लोग जैसे आप कोई भी अगर 1 kg आम खरीदते हो तो उसको मेजर किलोग्राम में करते हो, तो वैसे फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? क्यूसेक में। ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनेशन में कभी पूछ ली जाती है। अब आपको ये बात पता होने की 1 क्यूबिक फुट ऑफ स्पीड, जैसे 1 क्यूसेक में कितने लीटर ऑफ वाटर आएंगे, तो 1 क्यूसेक में लगभग 28.3 लीटर ऑफ वाटर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जाननी थी। 2.16 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर वाज रिलीज, इतने वाटर जो है अभी रिलीज की गई इस डैम से। और ये जो डैम है बेस डैम, ये कहां पर पाई जाती है? बेस डैम या फिर पोंग डैम, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस डैम से रिलेटेड और फिर उनके फ्लो ऑफ वाटर से आपको समझनी थी। ये देखो यहां पर बताया सर्वे एक किया गया जिसमें इंडिया जो रैंक की 158 अमंग द 195 कंट्री इन द हेल्थ एंड केयर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमारी कंट्री कहाँ फॉल कर रही है। तो आउट ऑफ 195 कंट्री जो है ये किसमें की कि हम जो है 158th पर आए, मतलब हमारी कंट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है अगर हम लोग देखें इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में या एजुकेशन के सेक्टर में। और ये जो मतलब सर्वे किया गया ये किन के द्वारा किया गया? ये सर्वे किया गया सेटल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें आपको जाननी थी कि ये क्या होती हैं। अब देखो एक आर्टिकल यहाँ पर आया करतारपुर गुरुद्वारा, यहाँ पर सैड, सैड मतलब क्या होगा? शिरोमणि अकाली दल ऐसा चाहते हैं ये कि लैंड स्वैप हो, मतलब ये जैसे इंडिया रीजन का लैंड हो गया, ये मान लो पाकिस्तान रीजन का लैंड हो गया, ठीक है। तो हमारा बात ये है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, ये जो करतारपुर का रीजन है जहाँ पर गुरुद्वारा दरबार साहिब है, ये पाकिस्तान में फॉल करता है, ठीक है। तो इस रीजन को ये मतलब शिरोमणि अकाली दल के लोग चाहते हैं कि इंडिया ऐसी बातें करे और ये जितना मतलब मान लो पाकिस्तान
पाकिस्तान का इतना रीजन जो है, ये करतारपुर का रीजन है, तो उस करतारपुर का रीजन जितना किलोमीटर या जितना मीटर में होगा, उस मीटर को उतने लैंड को इंडिया में सम्मिलित कर ले और उसके बदले बॉर्डर एरिया से उतना ही मतलब लैंड जो है पाकिस्तान को दे दे, मतलब लैंड का स्वैप कर ले, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो गुरुद्वारा दरबार साहिब जो करतारपुर का है वो इंडियन रीजन में फॉल करने लगेगा। तो ये प्रोविजंस हैं और इस पर जो बातें चल रही हैं, इस पर जब एक्शन होंगी तो हम लोग आगे और इसको डिटेल में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट टू रूल टूडे डिस्क्वालीफाई चार सीटेड लॉ मेकर्स, मतलब ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट वैसे मामले को देखने जा रही है जिसमें जो ये होगा कि जैसे आप मतलब एमपी हो या एमएलए हो, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जैसे कपिल सिब्बल हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, ये सारे लोग कौन थे, ये एज ए लॉयर भी हैं और एज ए मतलब एमपी या एमएलए भी हैं। तो ये लोगों मतलब कोई एमपी भी होना और लॉ को प्रैक्टिस भी करना, दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर चार सीटेड लॉ मेकर शुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो ये सारे मामले को देख रही है सुप्रीम कोर्ट, अभी इसमें सुनवाई होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट टू फॉलो इट्स ऑर्डर ऑन द मॉब वायलेंस, मॉब वायलेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे, उस सारे डायरेक्शन को हमने एडिटोरियल सेक्शन में पूरे डिटेल में कवर किया था, तो उसे स्टेट को बोल रही है कि वो जो जितने डायरेक्शन थे उसको आप फॉलो करो। क्या क्या डायरेक्शन थे? डायरेक्शन ऐसे थे कि मतलब पुलिस को एफआईआर करना, वैसे जगहों पर जहां पर ऐसे वायलेंस के मामले आ रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा पुलिस को चौकस रहना है, और फिर एक कमेटी बनानी है, ठीक है, एफआईआर करना है, तो ये सारे बहुत सारे इसमें प्रोविजंस बताए गए थे। और फिर लास्ट में ये भी बोला गया था कि पार्लियामेंट में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड जल्द से जल्द कुछ लॉ बनाया जाए जिससे इन मामले को हम लोग टैकल कर सके, और जो है गवर्नमेंट जो है उस पर लॉ बनाने के लिए एक कमेटी भी बना चुकी है। तो अभी स्टेट को बोलिए कि आप इसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये देखो एडिटोरियल का रिलेटेड पेज है, एडिटोरियल मैंने पहले ही 6:45 में मॉर्निंग में अपलोड कर दिया, आप वहां पर जाकर हमारे एडिटोरियल को देख सकते हो। यहां पर देखो एक आर्टिकल आया है जो कि तंजानिया से रिलेटेड है, ये हम मतलब इसमें कुछ चीजें हम जो है अपने एसेज के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल को मैं थोड़े डिटेल में आपको समझा देता हूं। तंजानिया के बारे में एक पहले फैक्ट ये है कि तंजानिया मस्ट नॉट गिव यूरोप, मतलब ये वहां की गवर्नमेंट है वो बोल रही है यूरोप को हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, यूरोप को हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। किस मामले में? जहां पे हम लोग मतलब ये बोलते हैं कि हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, कम से कम बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है। यूरोप अगर रेट देखा जाए वो कितना है 1.6, लेकिन जो तंजानिया का रेट है फर्टिलिटी रेट वो कितना है 4.9। जब मैं 4.9 बोलता हूं तो ऑन एन एवरेज क्या होता है, वहां की एक विमेन जो है 4 से लेकर 5 बच्चे को पैदा करती ही करती है, ऑन एन एवरेज, समझ रहे हो, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 4 बच्चे 5 बच्चे तो हर एक विमेन करती ही करती है। और वहां पर एक जो सर्वे किया गया तो सर्वे में पाया गया कि वहां की जो वुमेन है वो वुमेन को मतलब ऐसे टेंडेंसी है, खास करके नाइजीर में जो किया गया, फाउंड दैट एवरेज वुमेन थॉट टू बी 9 आइडियल नंबर, मतलब 9 बच्चे पैदा करना उनको लगता है ये एक आइडियल नंबर है। अब देखो 1950 में सब सहारन जो ये अफ्रीकन रीजन है यहां पर उनका जो पॉपुलेशन था ये कितना था, ए थर्ड ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन, मतलब 180 मिलियन था, लेकिन 2050 तक ये 2.2 बिलियन हो जाएंगे, मतलब यूरोप के 1/3 थे ये 1950 में, लेकिन ये जो मतलब 2050 तक ये यूरोप के 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे यहाँ का पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो रिवॉल्यूशन रविसेस इज द हाइपोथेसिस, द फियर नाउ इज दैट द कंट्री विल रन आउट ऑफ फूड, तो इससे एक डर की ये संभावना पैदा हो रही है कि ये कंट्री, क्योंकि ये सारी कंट्री गरीब कंट्री है, इनके पास उतनी ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें नहीं है इनके पास खाने के लिए, लेकिन अगर पॉपुलेशन इनका अचानक से बढ़ जाएगा तो जिससे क्या होगा, वहां पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, उनके पास फूड नहीं होगा खाने के लिए। और तंजानिया मैनी चिल्ड्रन वे ऑन इट्स इकोनॉमी, और तंजानिया की जो चिल्ड्रन होंगे उसके इकोनॉमी पे एक बर्डन बन जाएंगे। और वहाँ की एक देखो अगर डिपेंडेंसी रेशियो क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी मतलब उम्र में 20 साल से पहले और 64 साल के बाद, मतलब समझ रहे हो, जो आपकी जो पॉपुलेशन है उनकी जो उम्र है 20 साल से कम हो या फिर 64 साल से ज़्यादा हो, तो ये जो बीच के पॉपुलेशन होते यही वर्किंग पॉपुलेशन होते, यही जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जब तक कुछ काम नहीं करोगे, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तब तक आप जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट, तो ये जो ग्रुप होते हैं ये दोनों ग्रुप ये तो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो उनकी जो पॉपुलेशन है इस कंट्री में तंजानिया में खास करके ये कितना 129/100, मतलब 100 लोग इस ग्रुप में फॉल करते हैं बिटवीन 20-64, और 129 लोग किस में फॉल कर रहे हैं 20 से कम और 64 से ज्यादा, जबकि अगर यूरोप का ये अगर रेशियो देखा जाए तो 65:100 है, मतलब 65 लोग जो हैं वो 20 से कम 64 से ज्यादा हैं, और 100 लोग जो हैं वो कौन से ग्रुप में हैं
20 से 64 के बीच में है। तो ये देखो इतना डिफरेंस है, बट द बिकॉज द बर्थ रेट ऑल्सो हाई इन द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बोला था कि ये जो बर्थ रेट है ये पुअर, ये कहाँ पर जाता है, मतलब सबसे पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तंजानिया वगैरह अफ्रीकन कंट्री में है। तो जिससे क्या हो रहा है, उनको पॉवर्टी तो एक है ही और साथ साथ में उन्हें क्या एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा। तो इसे ठीक करने के लिए 3 things ऐसे बताए गए हैं जिससे हम लोग ठीक कर सकते हैं, और यही जो 3 things है जिसके आंसर को हम लोग ऐसे में यूज कर सकते हैं। पहला चीज क्या है, ड्रास्टिकली चेंज द पिक्चर। द फर्स्ट इज द अफ्रीकन गवर्नमेंट कुड प्रमोट द फैमिली प्लानिंग। पहली बात तो जो वही कि फैमिली प्लानिंग को आप अडॉप्ट करो, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया कि जैसे अभी आप वहां के लोग अगर सोच रहे हैं कि आइडियली 9 children वहां की वुमेन सोच रही है होना, ये नेचुरल बातें हैं, तो उनको पहले ये बातें समझानी होगी कि हमारे कंट्री पे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा आने वाले समयों में, तो हमें फैमिली प्लानिंग करना आवश्यक है। दूसरी बात है कि द काउज ऑफ ऑप्टिमिज्म इज द एजुकेशन, और एजुकेशन का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार करना ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर वहां की गर्ल्स को ज्यादा स्कूल भेजा जाए, ज्यादा एजुकेटेड हो, तो वहां की जिस कंट्री में एजुकेटेड ज्यादा होती है वहां की वुमेन, वहां का जो कंट्री का बर्थ रेट होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। और सिर्फ ये मतलब ऐसा हाईली क्वालिफाइड स्कूल होने की आवश्यकता नहीं है, अगर स्कूल में सिर्फ वो पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर सही ढंग से वो व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ के गर्ल्स अगर स्कूल जाती हैं तो उससे क्या होता है, उनको ये चीज़ें पता चलती हैं कि आउटर वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके पास और वर्ल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता चलती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो वर्ल्ड से अवेयर हो जाती हैं और जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ का डाउन हो जाता है। और तीसरी बात ये बताई गई, प्रोफाउंड चेंज वुड बी द स्टेबिलिटी इन द सहेल, मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो वहाँ का मतलब गर्ल चाइल्ड हो रहा है, पॉलीगेमी वगैरह जैसे द्वि मतलब बहुत सारे विवाह कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, तो ये सारी चीज़ों को भी कर्ब अगर किया जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसे हम लोग जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। इकोनॉमिक पेज पे देखो तो अभी सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिल गया, अभी जो जितनी हमारी कंट्री में स्टेट थे सिक्किम के पास आज तक कोई अपना एयरपोर्ट नहीं था, जिसे हम लोग प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द पकयोंग एयरपोर्ट, ये देखो पकयोंग एयरपोर्ट जो है इसे जो है अब एयरपोर्ट मिल पाया, जहां पर ये कहां इंडो चाइना बॉर्डर पे। और इस पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये बताई गई कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 2014 तक लगभग 65 एयरपोर्ट हमारे कंट्री में बनाए गए, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जो है 35 एयरपोर्ट बनाए गए। तो इसमें बताया गया कि पहले जो है 1 साल में 1 एयरपोर्ट बना करता था, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट जो है 1 साल में लगभग 9 एयरपोर्ट बनाई है। और ये जो है कौन से स्कीम के तहत बनाई है, ये उड़ान स्कीम के तहत बनाई है। उड़ान जब मैं बोलता हूं तो उड़ान का अर्थ ये होता है उड़े देश का हर नागरिक, ठीक है, आम नागरिक, इसका मतलब फुल फॉर्म है UDAN, ठीक है, तो उड़ान का मतलब यही होता है। और फिर इसका मतलब स्कीम में क्या था कि रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, जो भी ऐसे छोटे मोटे इलाके हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो यहां पर तो ये चलो मेट्रो सिटीज है, यहां पर एयरपोर्ट पहले थे, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे सिटी हैं वहां पर रीजनल जो है उनको एयरपोर्ट से जोड़ना। और इनका दूसरा पार्ट ये था कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जब हम लोग एयरपोर्ट बना लेंगे तो सारे एयरपोर्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये दूसरा पार्ट था। तो इसका 2 स्कीम काम कर रहा था, और इसमें ये चीजें थी कि लगभग 2500 रुपये जो होगा ये 1 घंटे का अगर आप फ्लाइट मतलब उड़ते हो तो उसमें 50% जो है हर फ्लाइट पे जो है सीट रिजर्व कर दी जाएगी, और उसका मैक्सिमम फेयर कितना होगा, 2500 रुपये होगा। और अगर मान लो कि उसकी फेयर 25 से ज़्यादा होती है, 2500 से ज़्यादा होती है, मान लो 3000 होती है, तो 500 रुपये की जो कमी हो रही है जो वो एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट वाले को बेयर करना पड़ेगा, तो वो 500 रुपये कौन दे रही थी, गवर्नमेंट दे रही थी। और आपको ये चीज़ें बतानी कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ एरोप्लेन या फ्लाइट पर थी नहीं, ये चीज़ें जो है हेलीकॉप्टर पर भी थी। अगर आप आधा घंटे उड़ने चाहते हो मतलब हेलीकॉप्टर से, तो आपको सिर्फ आधे घंटे के लिए 2500 रुपये मतलब देना पड़ेगा हेलीकॉप्टर, अगर आप आधे घंटे के लिए उड़ते हो। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी, तो जिससे कारण क्या हुआ था, फेयर बहुत ही कम हो गया। और जिसके कारण फेयर बहुत कम होने के कारण एक इकोनॉमी के पेज पे भी ये मतलब न्यूज आया है, और उसमें बताया गया कि हमारी जो मतलब जितने डोमेस्टिक लोग उड़ने वाले हैं फ्लाइट से, वो उनकी जो है इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन में। हम लोग देख लेंगे इकोनॉमी पेज में वो न्यूज को भी। तो उड़ान स्कीम के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ऑयल प्राइसेज जो है एट 4-year हाई आफ्टर OPEC रिफर्ब्स ट्रंप। अभी जो OPEC जो मतलब OPEC क्या होता है, OPEC मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, OPECG जिसे बोलते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये क्या है OPEC, क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बोलता हूँ तो इसमें बहुत सारे मतलब कंट्री जो हैं ऑर्गेनाइज की हुई, और इनका काम ये है, ये सारे कंट्री जो है मेजर जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये देखो इतनी सारी कंट्रीज, इसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, नाइजीरिया,
कतर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूएई, वेनेजुएला, ये सारी टोटल 15 कंट्री इस ओपेक में आते हैं। तो इसमें आपको ये बताना ओपेक हो गया और इसके अलावा कौन है, रसिया, ये दोनों क्या बोले कि हम लोग जो प्रोडक्शन है ऑयल का, क्रूड मतलब उसके प्रोडक्शन को अभी बढ़ाने में सक्षम नहीं है, नहीं बढ़ा सकते। जबकि ट्रंप ने ये बोला था कि इस कंट्री को जो है मैक्सिमम और प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि जो है पूरे ग्लोबल लेवल पर जो शॉर्टेज हो रहा है उस शॉर्टेज को मीट किया जाए। तो रसिया और ये बोली है, तो रसिया क्यों बोली, रसिया तो ओपेक कंट्री नहीं है, तो रसिया एक एक्सपोर्ट मतलब उसके अलावा ओपेक कंट्री के अलावा जो उसके सहमति से काम करती है, तो इन दोनों ने बोली कि हम जो है अभी हम इसमें जो है इसको एक्सपोर्टर में और इसको ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन बढ़ावा नहीं कर सकते। इंडिया में कट ऑयल इंपोर्ट, तो इसका मतलब इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंडिया जो है क्योंकि मतलब ऑयल प्राइसेस का मतलब दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है, तो ऑयल इंपोर्ट जो है इंडिया अब थोड़ी कम करने की कोशिश करेगी और उसके बदले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या फिर इथेनॉल से जो चलाने की बातें होगी, ये सारी चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। अभी मैंने आपको बता रहा था जैसे उड़ान स्कीम के तहत तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ग्रू 17% टू 11.35 मिलियन इन अगस्त, सिर्फ अगस्त में लगभग 11.35 मिलियन लोग जो है ये फ्लाइट से उड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि उड़ान स्कीम के तहत जो हम लोगों ने ये बना दिया कि 2500 रुपये ही लगेंगे आपको एक घंटे के फ्लाइट के लिए, तो इससे क्या हुआ मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपने टाइम को सेव करने के लिए और जो कैपेबल थे वो सारे लोग इसको इसका फायदा उठाने लगे। दुबई बेस्ट कैंटीन, दुबई बेस्ड जो करीम वहाँ की जो एक मतलब जैसे हम लोग उबर हो गया ओला जानते हैं वैसे वहाँ पे करीम है, ठीक है, तो ये जो करीम है ये कॉमट को खरीद ली। तो कॉमट क्या था, कॉमट हैदराबाद में जो है ये हैदराबाद की एक एंटरप्रेन्योरशिप थी जिसमें क्या था कि वहाँ के आईआईटी के ग्रेजुएट तो इसे ढूंढे थे और वहाँ पे बेस्ट ऑन द बस शटल सर्विस, जैसे हम लोग उबर में आप कैब करते हो वैसे वहाँ बस शटल सर्विस थी कॉमट, और उसे जो है अभी कौन खरीद ली है, करीम जो है खरीद ली है कॉमट से। अभी नेक्स्ट पेज पे ये देखो वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज आया है मार्स प्रोब बीम ब्लैक सेल्फी, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो है नासा का जो था मैवेन स्पेसक्राफ्ट MEVN, ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये 4 साल तक कहां पे ऑर्बिट कर रहा है, ये मार्स पे ऑर्बिट कर रहा है और ये क्या कर रहा है अपर एटमॉस्फेयर मतलब ये जो रेड प्लेनेट है मार्स का इसके अपर एटमॉस्फेयर को रीड कर रहा है। द इमेज वाज ऑब्टेन विद द इमेजिंग अल्ट्रावायलेट, और ये जो इमेज ली गई है जो इमेज आप देख रहे हो ये सेल्फी ली गई है, मतलब जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं तो वैसे भी यहां पर ऐसे ऐसी स्टिक लगाई गई है और वो स्टिक के थ्रू जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्स ली और उस डिफरेंट डिफरेंट पिक्स को कंबाइन करके जैसे हम लोग कोलाज बनाते हैं उसको कंबाइन करके नासा ने इस पिक्चर को रिलीज किया है। और ये जो पिक्चर ली गई है वो कौन सी मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है इमेजिंग अल्ट्रावायलेट स्पेसोग्राफ IUVS इसे कहते हैं। और ये जो मैवन मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2013 में, और जो ये मार्स के ऑर्बिट में कब आ गया था, ये मार्स के ऑर्बिट में 21 सितंबर 2014 को, मतलब हम मतलब पृथ्वी से इसे 2013 में लॉन्च किए थे नवंबर 2013 में और ये सितंबर 2014 में जाके मार्स के ऑर्बिट में ये मैवन जो है एंटर कर गया था। इट आल्सो डिस्कवर्ड 2 new types ऑफ द मार्शियन ऑरोराज। ऑरोराज क्या होता है, ऑरोराज ये होता है कि लाइटनिंग मतलब जैसे वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण और सन के एटम्स जो होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफ्यूज होने के कारण जो लाइटनिंग बिजली जो चमकती है आप जैसे देखते हो पृथ्वी पर भी, तो उससे क्या होता है रेड और ब्लू लाइट हमें दिखती है, तो वो जो रेड और ब्लू लाइट टाइप का जो दिखने की चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण, तो वो दो चीजें ऑरर्स वहां पर वो जो है नए ऑरर्स को वहां पर ये जो ये मैवन है ये फाइंड करने में हमें मदद की और उसका क्या नाम है डिफ्यूज ऑरर्स और द पॉर्टन ऑरर्स, ठीक है। मैवन हैज डेमोंस्ट्रेटेड द, और ये मैवन हमारे को ये जानकारी भी बताई है कि ये जो मार्स रीजन है उस मार्स रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैक्सिमम वहां का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्पेस में रिलीज हो गया, मतलब जैसे हमारे एनवायरमेंट में एक लेयर है ओजोन लेयर जिसके कारण क्या होता है हमारी जो इन्वायरमेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी चीज़ें वो प्रोटेक्टेड हैं, वो बाहर स्पेस में नहीं जा पाती हैं, वो ट्रैप रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन जो ये मार्स के केस में क्या हुआ वहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी जो है स्पेस में रिलीज हो गई, और ये मतलब अब वापस ऐसा सोचा गया साइंटिस्ट क्या हम लोग आर्टिफिशियली अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज करें तो क्या वहाँ प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो गई। और करंटली जो मैवन है ये कैरी अबाउट 1 relay पास पर वीक, मतलब ये जो जैसे 1 kilometer होता है कि आप जैसे आप देखते हो ना कि रेट ऑफ आपका जैसे स्पीड क्या है तो आप बोलते हो 36 kilometer per hour, तो उसी तरीके से ये जो करंटली मैवन जिस तरीके से वो दूरी तय कर रही है वो क्या कर रही है अबाउट 1 relay पास पर वीक, एक वीक में 1 relay पास ये तय करती है और अभी इसे जो है और इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। और मैवन जो था ये मतलब जैसे मैंने बताया कि 21 सितंबर 2014 को अपने ऑर्बिट में चल गया
दिया था, तो मतलब इसका जो टारगेट था 2015 नवंबर तक ही था, लेकिन ये अब तक फंक्शनल है और ये जो है ऑपरेटिंग ऑन द एक्सटेंडेड मिशन सिंस दैट टाइम। ये मतलब एक्सटेंडेड मिशन पे काम कर रही है, इसकी मिशन जो थी 2015 तक ही थी लेकिन अभी जो है ये एक्सटेंडेड मिशन पे काम कर रही है। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।